कल एक तरफ सिराजुल हक साहब भारतीय सिफारतखाने की तरफ एहतजाज कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था। आमिर लियाकत का इंतकाल हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस बुनियाद पर यह इजलास मुल्तवी कर दिया गया। लेकिन क्या ये मर जाते अगर ये सब मुश्तरका तौर पर एक करारदाद पास करते हुए भारत के खिलाफ? इनका क्या चला जाता? मसला यह है कि जो हुक्मरान तबका है ये पहले अमरीका से डरता था और हमें डराता था, अब ये अमरीका की जगह उसने भारत को भी ले लिया है, अब ये भारत से भी डरते हैं और हमें डराते हैं कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ी जमहूरियत है। अरे भाई, तुमने हमें जो बर्बाद कर दिया है 75 साल में, हमारी अगर मईशत तबाह हुई है तो इस हुक्मरान तबके की वजह से हुई है, इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुई है, ब्यूरोक्रेसी की वजह से हुई है, जागीरदारों और वटेरों की वजह से हुई है, और अमरीका के गुलाम हुक्मरानों की वजह से हुई है, इन पढ़े लिखे जाहिलों की वजह से तुमने हमारा ये हाल किया है। हमारा ये हाल था नहीं, पहले तुमने हमारा हाल बर्बाद किया, अब हमें मईशत का खौफ दिलाकर अब पूरी दुनिया में इन लोगों को आजाद छोड़ दो, किसी सूरत काबिल-ए-कबूल नहीं है।